राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक वारदात खत्म होती है, वहीं दूसरी वारदात सुनने को मिल जाती है। इसी के चलते एक मामला सामने आया है, जिसमें जहांगीरपुरी इलाके के पुलिस स्टेशन से 50 कदम की दूरी पर एक ही रात में 6 से 7 गाड़ियों के ACM चोरी हुए हैं। जिन लोगों के ACM चोरी हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि यह चोरी की घटना पहली बार नहीं हुई है। यहाँ पहले भी कई मर्तबा चोरों के ग्रुप गैंग आता है और गाड़ियों की बैटरी, ACM व टायर इसी प्रकार चोरी करके ले जाते हैं। लोगों का कहना है कि ACM लगवाने के लिए 12 से 15 हजार का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि लोगों को महीने में कई बार सुबह उठते ही गाड़ियों के टूटे हुए लॉक व निकले हुए ACM मिलते हैं। ओम जी, क्या हुआ है, किस तरीके से चोरी हुई है? भाई साहब, ये जहांगीरपुरी थाने वाला रोड है, बिल्कुल थाने की नाक के नीचे मेरी गाड़ी खड़ी होती है। और रात को यहाँ पे 3:00 कुछ पे CCTV में आ रही है फुटेज में, तो 3:17 के आसपास बंदे आए हैं और लगभग 6-7 गाड़ियों के यहाँ पे ACM चोरी हुए हैं। ये ACM पहले भी चोरी होते हैं? यहाँ लगातार होते रहते हैं, हर महीने होते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं। और ऐसे ग्रुप गैंग आता है पूरा, और 10-12 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ ऐसे टारगेट करते हुए हमेशा ले जाते हैं। कभी बैटरियाँ, कभी ACM, कभी टायर्स, हमेशा चोरियाँ होती रहती हैं। गली में लगे हुए कैमरे में ये सारा मामला कैद हो गया है, तथा इस सारे मामले की पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और पुलिस उन चोरों की तलाश में लगी हुई है। अब बस देखना ये है कि क्या पुलिस उन चोरों को पकड़ पाएगी या ऐसी ही वारदातें फिर सामने आएंगी। दिल्ली से मैं शिवानी शर्मा, पंजाब केसरी से। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।